हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग टेकआउट ए मैथ्स बुक एंड ओपन पेज नंबर फोर्टी नाइन टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन चैप्टर नंबर सेवन फ्रैक्शन एक्सरसाइज नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स ए थर्टी फाइव अपॉन फोर्टी थर्टी फाइव अपॉन फोर्टी फ्रैक्शन दे रखा है मैं अब आपको यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है आपको वहाँ क्या आएगा मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा वही न्यूमिनेटर में डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड हो रहा है फाइव से तो न्यूमिनेटर में भी फाइव से ही डिवाइड होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फाइव सेम एज बी फिफ्टी डिवाइडेड सिक्सटी अब यहाँ देखेंगे फिफ्टी डिवाइडेड किससे हो रहा है फिफ्टी अपॉन सिक्सटी किससे डिवाइड हो रहा है दोनों सेम है टेन टेन से अब इसका आंसर है फिफ्टी को जब हम टेन से डिवाइड करेंगे तो टेन फाइव ज़ा फिफ्टी होता है तो फाइव लिखेंगे अगेन टेन को जब सिक्सटी को जब हम टेन से डिवाइड करेंगे टेन सिक्स 60 होता है तो फाइव अपॉन सिक्स अवर आंसर सी सिक्सटी फोर अपॉन सेवेंटी टू अब सिक्सटी फोर अपॉन सेवेंटी टू किससे डिवाइड हो रहा है एट से इट मी डिनोमिनेटर भी एट से ही डिवाइड होगा तो एट अपॉन एट आपको यहाँ पे लिखना है अब एट ज़ा सिक्सटी फोर होता है डिवाइड किया हमने तो एट आंसर अब जब सेवेंटी टू को एट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एट ज़ा सेवेंटी टू तो एट अपॉन नाइन अवर आंसर डी वन हंड्रेड एड अपॉन वन ट्वेंटी अगेन डिनोमिनेटर क्या है ट्वेल्व तो न्यूमिनेटर भी क्या होगा ट्वेल्व अब जब हम वन हंड्रेड एट को डिवाइड करेंगे ट्वेल्व से तो ट्वेल्व नाइन ज़ा वन हंड्रेड एट होता है 120 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 टेन से वन हंड्रेड होता है 9 अपॉन टेन अवर आंसर क्वेश्चन नंबर टू फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको यहाँ पर इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है ए 45 फाइव अपॉन सिक्सटी अब आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है 45 फाइव अपॉन सिक्सटी अब दोनों को आपको इक्वलन फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे पहले आपको दोनों को एच सी एफ फाइंड करना है अब एच सी एफ कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया था पहले मैंने फोर्टी फाइव का एच सी एफ लिया है यहाँ पे और सिक्सटी फाइव का दोनों को एच सी एफ लिया देखेंगे आप थ्री वन जा थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन फाइव वन ज़ा फाइव अब सिक्सटी फाइव का लिया है टू से भी नहीं होगा ये थ्री से भी नहीं है फोर से भी नहीं पंस की प्लेस पर फाइव या ज़ीरो ना होगा तो वो फाइव से डिविजिबल होता है तो हमने यहाँ फाइव नंबर लिया है फाइव वनजा फाइव फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन थर्टीन कंपोजिट नंबर है तो वो थर्टीन से ही डिवाइड होगा थर्टीन वनजा थर्टीन दोनों के हमें क्या मिल गए हैं ये फैक्टर्स अब हमें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में जो है फाइव हाइएस्ट कॉमन का फैक्टर क्या मिल गया हमें फाइव एच सी एफ क्या हो गया हमारा फाइव जो दोनों नंबर्स में कॉमन है दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है फाइव तो ये हो गया हमारा एच सी एफ फाइव ठीक है ये हमारा एच सी एफ फाइंड करने का मैथड मैंने आपको बताया है किस तरह से आपको एच सी एफ फाइंड करना है हमारा फाइंड हुआ है फाइव अब क्या करना है हमें फोर्टी फाइव को डिवाइड फाइव से करना है और सिक्सटी फाइव को भी डिवाइड फाइव से करना है ठीक है पहले हम एच सी एफ फाइंड करेंगे जो एच सी एफ आएगा दोनों नंबर्स को हमें उसे डिवाइड करके देखना है फोर्टी फाइव को फाइव से करा सिक्सटी फाइव को भी फाइव से फाइव नाइनजा फोर्टी फाइव होता है फाइव को जब सिक्सटी फाइव को जब हमने फाइव से डिवाइड किया तो थर्टीन आवर आंसर तो नाइन अपॉन थर्टीन अवर आंसर बी फोर्टी एट अपॉन वन हंड्रेड एट अगेन हम दोनों को क्या करेंगे एच सी एफ लेंगे दोनों का जब हमने फोर्टी एट अपॉन वन हंड्रेड एट का एच सी एफ लिया तो हमारा फोर्टी एट का आया टू 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 थ्री वन हंड्रेड एट का एच सी एफ लिया तो टू टू थ्री 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 दोनों में हमने कॉमन फैक्टर टू और थ्री हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या मिला टू टू ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एच सी एफ़ क्या हो गया हमारा ट्वेल्व पहले हमने दोनों में से कॉमन मल्टीपल निकाले देन उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एच सी एफ हमें क्या मिला ट्वेल्व टू टू ज़ा फोर फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व क्योंकि दोनों में टू सेम है थ्री सेम है ठीक है तो इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई किया था एच सी एफ क्या आ गया ट्वेल्व अब हमें क्या करना है फोर्टी एट अपॉन वन हंड्रेड एट को दोनों को डिवाइड करना है ट्वेल्व से ही फोर्टी एट को जब हमने ट्वेल्व से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया फोर वन हंड्रेड एट को जब हमने ट्वेल्व से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया नाइन फोर अपॉन नाइन आंसर फिफ्टी फोर अपॉन सेवेंटी टू अगेन हमने क्या किया फिफ्टी फोर का एच सी एफ लिया और सेवेंटी टू का एच सी एफ लिया दोनों में कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिला टू थ्री एंड थ्री अगेन हमने इनको मल्टीप्लाई किया टू थ्री ज़ा सिक्स सिक्स टू जा सॉरी टू थ्री जा सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन एच सी एफ क्या मिला हमारा एटीन अगेन हमको क्या करना है फिफ्टी फोर और अपॉन सेवेंटी टू को एटीन से डिवाइड करना है फिफ्टी फोर को जब हमने एटीन से डिवाइड किया तो और आंसर इज थ्री सेवेंटी टू डिवाइडेड एट और आंसर इज फोर थ्री अपॉन फोर अवर आंसर डी ई एफ इज़ योर होमवर्क दोनों के यंबर्स के आपको एच लेने हैं जो कॉमन फैक्टर रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमें एच एच सी एफ़ फाइंड हो जाएगा देन डिवाइडेड एंड आंसर आवर है जो हमारा एच सी एफ आएगा उसको हमें नंबर से डिवाइड करना है ठीक है वो हमारा अपॉन में हमारा आंसर आ जाएगा एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थ्री वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास हरी कृष्णा हैव अ ग्रेट डे